सरकारी संपत्ति है, इस संपत्ति को आप तोड़ना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि इन लोगों का नाम लोट कराइए, इन लोगों का नाम लोट कराइए और नियमानुसार इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करना चाहते हैं। जो लोग कुर्सी पीट रहे हैं, आप सारे का सरकारी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों का नाम नोट कीजिए, इन लोगों का नाम नोट कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन है, लेकिन आज जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई लगातार फिर से हंगामा होने लगा। जो बीजेपी के विधायक हैं और तमाम जो वहां पर विधायक मौजूद थे, सब कुर्सी और मेज पटकने लगे, जिस पर काफ़ी हो हंगामा शुरू हो गया और सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें कि बिहार आरक्षण बिल वो आज पेश किया जाएगा दोनों सदनों में, लेकिन उससे पहले जोरदार हंगामा देखा गया और सदन की कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधानसभा के स्पीकर, हम आपको सुनाते हैं। एक मिनट प्रश्न के जवाब में, एक मिनट मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सरकारी संपत्ति है, इस संपत्ति को आप तोड़ना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि इन लोगों का नाम नोट कराइए, इन लोगों का नाम नोट कराइए और नियमानुसार इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करना चाहते हैं। आप जगह लीजिए ना, सदन चलना चाहते हैं तो आप जगह लीजिए। और ये लोग जो लोग कुर्सी पीट रहे हैं, आप सारे का सरकारी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, आपके ऊपर हम नियमानुसार कार्रवाई निश्चित करेंगे। इन लोगों का नाम नोट कीजिए, इन लोगों का नाम नोट कीजिए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुना, बिहार विधानसभा के स्पीकर ने कार्रवाई जो है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। जोरदार हंगामे के चलते इसे स्थगित किया गया है। आज चौथा दिन है, लेकिन चौथे दिन भी लगातार बीजेपी विधायक जो हैं वो हो हंगामा कर रहे हैं, जोरदार हंगामा कर रहे हैं। इस वजह से सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए। साथ ही बिहार विधानसभा के स्पीकर ने एक और बात कही कि जो जो कुर्सी पटक रहे हैं या मेज पटक रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उन्होंने नाम लिखने को कहा है और अब देखना होगा कि 2 बजे के बाद क्या होता है, क्योंकि आज बड़ा दिन है। आज आरक्षण बिल जो है उसे पेश किया जाएगा, कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई है, अब बस इसे पारित होना है दोनों सदनों में। हालांकि बीजेपी ने बिल का सपोर्ट किया है, बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने समर्थन की बात कही है, लेकिन ये हंगामा जो हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज़।